हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका एक नया अपडेट, जो कि पोस्ट ऑफिस 2023 40,000 जो वैकेंसीज निकल के आया था, उस वैकेंसीज के जो रिजल्ट है, कौन सी डेट से आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे वही अपडेट। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन किए थे तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको देखना पड़ेगा कि कब जो है आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, इसके साथ और क्या क्या अपडेट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पूरा जानकारी। आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे GDS रिजल्ट 2023 डेट, स्टेट वाइज रिजल्ट कब मिलेगा, PDF फाइल कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों सब कुछ आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो, इंडियन पोस्ट GDS 2023 में जो एप्लीकेशन हुआ था 2022 में, जहाँ पे 40,000 के वैकेंसीज निकल के आया था, इन 40,000 वैकेंसीज के अंदर बहुत बड़ी अपडेट ये दिया गया था कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट और रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद आप लोगों को वहाँ से ही सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी इंटरव्यू नहीं लगने वाले, तो इस बार उसी वही तरह से यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है। तो कब जो है आपका रिजल्ट जो है पब्लिश कर सकते हैं इंडियन पोस्ट की तरफ से, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ, जो डेट आपको दिया जाएगा उसी डेट में आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो आपका मेरिट लिस्ट, उसको तो पहले आपको जानना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, इंडियन पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको बेसिकली ढूंढना होगा इंडियन GDS रिजल्ट 2023, एंड जहाँ पे आपको लिंक, रिजल्ट के लिंक मिल जाएगा, एंड उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको PDF फाइल डाउनलोड करना होगा। अगर बताया जाता है कि स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट वाइज यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। और स्टेट वाइज अगर रिजल्ट की बात करें तो आपको जो रिजल्ट है एक ही दिन में आपको हर एक स्टेट के रिजल्ट आपको मिलेगा, इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिलेगा रिजल्ट, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो। उसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ, स्टेट वाइज के साथ अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो इंडियन पोस्ट की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को रिजल्ट डाउनलोड करना है आप लोग वहाँ से भी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। रिजल्ट डाउनलोड करने के समय आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि 10th पास के मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ आपका फ़ोन नंबर जो भी आप लोग दिए थे, आपको जानना आपके नाम और लिस्ट रिजल्ट देखने के लिए आपको वो सारे चीज़ जो है आपके पास आपको मिलेगा। तो पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ जो सिले पब्लिश करने वाले है और आपको सॉरी जो रिजल्ट है वो आपको कब तक मिल सकता है। तो यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि मार्च 2023 तक जो है आपका जो रिजल्ट है आपको मिल सकता है। इसी तरह की एक न्यूज़ जो है आ रहा है ऑफिशियली, जहाँ पे क्लियरली बता दिया जा रहा है हर एक स्टूडेंट के लिए आपका जो रिजल्ट है इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें पब्लिश किया जाएगा मार्च के अंदर। तो जैसे आप लोग देख सकते हो मार्च अभी चल रहा है, तो इस मंथ के कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर सकता है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यही था आज की अपडेट, अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, फॉर जो अपडेट डेली। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।